हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय गुरुकुल में। और ये है कंप्यूटर सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट को। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हमने एक दिन में अपने कंप्यूटर के सिलेबस को कंप्लीट किया है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पैडागोजी का। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पैडागोजी ख़त्म करेंगे, और एक बड़े से टॉपिक को बहुत ही पार्ट पार्ट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे कि इसे पढ़ने में आसानी हो जाए, हमें समझने में। और चूंकि स्ट्रैटेजी के थ्रू हम इसे रिवीजन कर रहे हैं, तो आपने जो पहले पढ़ रखा है उनके लिए भी, और जो अभी अभी इस चैनल पे जुड़ रहे हैं और उन्होंने ठीक से उनकी तैयारी उतनी सही नहीं हो पाई है, तो उनके लिए ये पूरा एक तरह से पावर पैक का काम करेगा, क्योंकि उन्हें इसके अंदर पूरे टॉपिक्स मिल जाएंगे और बहुत ही शॉर्ट में, समराइज फॉर्म में। तो ये आज का जो वीडियो है ये एमएस पावर पॉइंट का है। तो आज हमने जो टॉपिक उठाया था कि कंप्यूटर से हम पूरा फिनिश करने वाले हैं, तो ये है हमारा एमएस पावर पॉइंट कंप्यूटर का। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है पैडागोजी का, और एक ही दिन में हम पैडागोजी के सारे टॉपिक्स जो AWS के लिए इम्पॉर्टेंट है और KVS के लिए, दोनों को हम फिनिश करेंगे सेम डे में। और ये 3 से 4 वीडियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अलग अलग पार्ट में अलग अलग, और हम चाहेंगे इंक्लूड करने के लिए कुछ क्वेश्चंस को भी जो प्रीवियसली आस्क्ड है, ऐसे क्वेश्चंस को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए, ओवरव्यू हो जाए कि इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्वेश्चन पेपर का मीडियम हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, बिलिंगुअल होगा। सो बिल्कुल भी डाउट ना रखें आप, क्वेश्चन पेपर का मीडियम सिर्फ इंग्लिश होगा, और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही क्वेश्चन आता है AWES में। केंद्रीय विद्यालय में आपके क्वेश्चन बिलिंगुअल होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और अदर लैंग्वेजेस में भी आता है, सीटेट के क्वेश्चन पेपर आते हैं, बट स्पेशली इन AWES सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट वाले जो है, जो TGT PGT के, उसके क्वेश्चन जिनका हिंदी सब्जेक्ट से TGT PGT, उनका बस जो लैंग्वेज पेपर है उनका पेपर 2, वो बस हिंदी में आएगा। बट इधर पेपर A में हिंदी सब्जेक्ट भी नहीं है और ना हिंदी में पेपर आता है, ये बिल्कुल इंग्लिश मीडियम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, नेगेटिव मार्किंग है। तो चलिए शुरू करते हैं MS पावर पॉइंट को। सो MS पावर पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक हम जान लेते हैं MS पावर पॉइंट होता क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज़ करते हैं। तो एक MS पावर पॉइंट जो होता है, ये एक एप्लीकेशन प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जैसे कोई प्रोफेशन में, कोई बिजनेस पर्पस से एक आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, तो प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आप स्लाइड्स के रूप में एक ग्रुप बना देते हैं, और जिसमें क्या, जिसमें जिस स्लाइड्स में इंफॉर्मेशन होती है, तो इस इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हैं, स्लाइड्स का ग्रुप बना देते हैं। और इसे पावर पॉइंट में कई फॉर्मेट होते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर्स और डिज़ाइन का उपयोग करके आप इस प्रेजेंटेशन को और बेहतर बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये है मेन फंक्शन पावर पॉइंट का। तो पावर पॉइंट हम शुरू कैसे करते हैं, तो चलिए दिखाते हूँ आपको कि शुरू कैसे करते हैं। ये जो आप कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हैं सामने, यहाँ पर देखिए पावर पॉइंट स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, पावर पॉइंट स्टार्ट करने के लिए डेस्कटॉप के पावर पॉइंट आइकॉन पे क्लिक करना है, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम करना, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जाना है, फिर पावर पॉइंट की विंडो इस तरह से दिखेगी आपको। तो इतना प्रोसेस करने के बाद ये विंडो दिख रही है। अब इस विंडो में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो जो आइकॉन्स लगे हैं ऊपर में, जैसे कि पहला एक टाइटल दिख रहा है ऑफिस एलिमेंट का, टाइटल बार, टाइटल बार जो दिख रहा है ये पावर पॉइंट विंडो के सबसे ऊपर होता है, जिसमें क्या होता है, वर्कबुक में आप जो प्रेजेंट करंट काम कर रहे हैं उसका नाम डिस्प्ले होता है उसमें, और टाइटल के राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रीस्टोर या फिर क्लोज के बटन होते हैं, और लेफ्ट साइड में एक क्विक एक्सेस टूल बार भी होता है। इसे थोड़ा सा जूम करके आप देख लीजिए, और या फिर प्रोसेस के थ्रू अगर आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आप जल्दी से सीख जाएंगे। आप अपने सिस्टम पे जाइए, या फिर अगर आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है MS पावर पॉइंट, आजकल जनरली सारे एंड्रॉयड फ़ोन में होता है, तो उस पे जाके भी आप कर सकते हैं ये काम। और नेक्स्ट होता है ऑप्शन 2, रिबन। आप देख रहे हैं ये जो एरो मार्क्स है, यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये रिबन, रिबन जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है आपको ऑप्शन रिबन का, इसका क्या फंक्शन होता है, तो रिबन के पहले वर्जन
और मेन्यू के टूल बार के जगह में आया है। इसमें क्या होता है, एक ख़ास तरह के टास्क को कमांड करने का या फिर ब्राउज करने के लिए टैब होते हैं। और आगे क्या होता है, इस टैब के को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो इस रिबन को आप हाइड भी कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा आपको कि रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक करके मिनिमाइज द रिबन बटन पर क्लिक कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस F1 का बटन क्लिक करें, इससे भी ये हाइड हो जाएगा। और फिर से आप इसको अनहाइड करना चाहते हैं तो फिर से आपको कंट्रोल प्लस F1 पे क्लिक करना होगा, जिससे कि ये अनहाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे रिबन्स पे क्या होते हैं, तीन मेन पार्ट्स होते हैं रिबन के। रिबन के तीन मेन पार्ट्स क्या क्या है, टैब्स, ग्रुप्स और नेक्स्ट है कमांड बटन्स। तो टैब्स में क्या होता है कि ये टास्क ओरिएंटेड होता है जो रिबन के टॉप पर होता है, और ग्रुप्स में प्रत्येक जितने भी टैब हैं सबके आगे टास्क में डिवाइड किया गया है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, होम टैब को क्लिपबोर्ड, फॉन्ट या फिर फोटोग्राफ स्टाइल या एडिटिंग ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और हर कोई भी ग्रुप आप बनाते हैं तो ग्रुप के साइड में एक छोटा सा एरो होता है जिसे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहा जाता है, और जिस पर क्लिक करने पर कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। कमांड बटन्स बटन्स के हर एक ग्रुप के रिलेटिव होते हैं। जैसे कि अगर फॉन्ट ग्रुप में आप जाएंगे तो फॉन्ट ग्रुप में आपको जो कमांड बटन मिलेंगे वो होंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब कमांड बटन मिलेंगे। नेक्स्ट है, ये सभी जितने भी टैब्स हैं, ये इन टैब्स के अलावा भी जब आप कोई रिलेटेड टास्क कर रहे होते हैं तभी वो दिखाई देता है। जैसे कॉन्टेक्स्चुअल टूल होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होंगे तब आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और आपको ये टैब दिखाई देता है। और पावर पॉइंट में एक इमेज इंसर्ट करें, जब आपको क्या होता है, इमेज को सेलेक्ट करेंगे तब आप फॉर्मेट टैब या रिबन के राइट साइड में आप देख पाएंगे। और सेलेक्ट किए इमेज पे काम करने से यहाँ पे कमांड्स होते हैं। नेक्स्ट है फाइल बटन। नेक्स्ट है फाइल बटन। सो ये फाइल बटन है। फाइल बटन में क्या होता है, ये बटन पावर पॉइंट विंडो के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में होता है। इस बटन पर न्यू, ओपन, सेव या फिर सेव एज और प्रिंट एंड क्लोज जैसे कमांड होते हैं। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। इसके जस्ट आप नेक्स्ट में देख रहे हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार बटन राइट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसके इस्तेमाल होने के लिए आइटम में बटन होते हैं, जैसे कि सेव, अंडू या रिडू बटन। और इस टूल बार में बटन्स को ऐड करने के लिए राइट साइड पे छोटे एरो पर क्लिक करना होता है। नेक्स्ट है द स्टेटस बार। नीचे आ जाते हैं, ये है स्टेटस बार। यहाँ पे स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार विंडो के नीचे होता है और इसमें क्या होता है, करंट पेज नंबर, सेक्शन, डॉक्यूमेंट और टोटल वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स भी डिस्प्ले होते हैं। आप इस पर राइट क्लिक करके ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द स्टेटस बार। नेक्स्ट है जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर ये आप देख रहे हैं, ये है जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर राइट कॉर्नर पे स्टेटस बार पर ही ये जूम स्लाइडर होता है, जो वर्कशीट को अलग अलग जूम परसेंटेज देखने के लिए, जैसे 100%, 200%, इस तरह से आप जैसे किसी इमेज को आप एनलार्ज करते हैं परसेंटेज बढ़ाने के लिए, इस पर क्लिक करना होता है। नेक्स्ट है व्यू बटन्स। व्यू बटन, व्यू कंट्रोल। जूम स्लाइडर के लेफ्ट साइड में ये बटन होता है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं लेआउट का, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन या फिर ड्राफ्ट के ऑप्शन भी यहाँ पर होते हैं। ये था हमारा पावर पॉइंट। अब देखते हैं कुछ पावर पॉइंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियसली आस्क्ड है AWES से। चलिए ढूंढ के लाते हैं उस क्वेश्चंस को हम। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये 2015 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है AWES का। व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैव अ डाटा एंड अ स्लाइड नंबर अपीयर ऑन एवरी स्लाइड। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा चूज, इंसर्ट, हेडर एंड फुटर, क्लिक स्लाइड टैब, सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन, क्लिक अप्लाई टू ऑल। तो ये था एक ऑप्शन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं
आपके AWS में। इससे इसके अलावा देखिए कंप्यूटर का एक दो क्वेश्चंस और देख लीजिए MS एक्सेल से। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू प्रिंट। कौन सी मेन्यू को आप सेलेक्ट करेंगे प्रिंट करने के लिए? तो सेलेक्ट करेंगे हम फाइल मेन्यू को, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फाइल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक MS पावर पॉइंट। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है MS एक्सेस, जिसे हम अपने लास्ट वीडियो में करने वाले हैं, और इसके बाद का हमारा टॉपिक होगा पेडागोजी का। तो आप बिल्कुल बने रहिएगा, हमारा नेक्स्ट डे हमारा टॉपिक है पेडागोजी का, और एक दिन में हम पेडागोजी का पूरा रिवीजन आपको करवाएंगे। एट लास्ट कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।